أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله حسبي الله لا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش فإن تولوا فقل حسبي الله
لا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا الذي وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله وبشر المؤمنين
يستبشرون بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. मेराज की शब गए थे तो आके कहा था बिलाल वो कौन सा अमल करता है कि मैंने तेरे कदमों की आहट अर्श के ऊपर देखी है, तो फिर ये पता चल जाएगा कि हुजूर का मकाम क्या है, मकामे मुस्तफा क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। हाजरीन मोहतरम, इसलिए दुरूद का वजीफा हमने मिलके करना है, जरा मिलके पढ़िए, सलातो वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आली का व अस्हाबी का या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वाला आली का व अस्हाबी का या नूर अल्लाह या साहिब अल जमाल व या सय्यद अल बशर मिम वजहिकल मुनीर लकद नुफिर अल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक्कुहु बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अगर जबान आपको अल्लाह ने नहीं दी तो आप ना पढ़िए, अगर रब ने दी है तो शुक्राने के तौर पर सारे मिलके पढ़िए। मैं ये भी नहीं कहता कि आप यही पढ़ें, जिसको जो दुरूद अच्छा लगता वही पढ़ें। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला अलीका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, जर्रा जर्रा दुरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दुरूद पढ़ता है, जर्रा जर्रा दुरूद पढ़ता है, मेरे नबी पे ऐसा यम मेरा अल्लाह दुरूद पढ़ता है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नबी पे चांद सितारे दुरूद पढ़ते हैं, नबी पे चांद सितारे दुरूद पढ़ते हैं, मलाइक भी सारे के सारे दुरूद पढ़ते हैं, रंजो अलम सब दूर होते हैं, रंजो अलम सब दूर होते हैं, गम के मारे जब दुरूद पढ़ते हैं, है हुक्म सल्ले अला कुरान के पारे दुरूद पढ़ते हैं। ये बड़ा कीमती जुमला आपके समातों की नजर कर रहा हूँ, है हुक्म सल्ले अला कुरान के पारे दुरूद पढ़ते हैं। ये बजम सजाने वाले और बजम में आने वाले ये कोई आम नहीं है, शायर ने बड़ा खूबसूरत नुस्खा दे दिया है कि है हुक्म सल्ले अला कुरान के पारे दुरूद पढ़ते हैं और मेरे आका उस महफिल में जरूर आते हैं, मेरे आका उस महफिल में जरूर आते हैं जहां आपके प्यारे दुरूद पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। कोई पढ़ने वाला यूं भी पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम
انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد। किसी उर्दू के शायर ने, और शायर भी कोई आम शायर नहीं है बल्कि शायरों का इमाम, और जो शायरों का इमाम होता है उसका कलाम भी कलामों का इमाम होता है। तो जब मेरे इमाम का कलम उठा तो आप क्या कहते हैं? मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और जब एक और अरबी शायर का बड़े खूबसूरत अंदाज में क्या लिखता है, बलगल ओला भी कमाली ही, नाम है शेख सादी जो कि एक फारसी शायर है। एक दिन ख्याल आता है कि ऐ सादी गुलाम मोहम्मद अरबी है और तू उनकी नाद कोई अरबी में भी तो लिखना। दिल में ख्याल आया, कहते हैं मैंने अपने सोच के आखिरी साविये तक सोचा, सोच के सारे इलम का अहाता करके मैं क्या लिखता हूँ, बलागल ओला भी कमाली ही कशफत सुझा भी जमाली ही। मैंने तीसरा मिसरा लिखा, हसुनत जमीयो खिसाली ही। दिन गुजर गया, तीन मिसरे हो गए हैं, चौथा याद नहीं आ रहा। रात गुजर गई, बाद ने कहा काफी दिन गुजर गए। इसी ख्याल में एक दिन आप सोचते सोचते सो गए, लेकिन किस्मत जाग गई। किस्मत क्या जागी, मेरे करीमा अलैहि सलातो सलाम की जियारत हुई। जियारत में करीमा अलैहि सलातो सलाम ने क्या फरमाया, ऐसा दी तूने हमारी नात लिखी है, जरा पढ़ के तो सुना। हजरत शेख सादी क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह अभी नात मुकम्मल नहीं हुई। कहा सादी पढ़ के तो सुना। हजरत शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह ताला ने कहते हैं, या रसूल अल्लाह लिखा है बलागल उला बिकमाल ही कशफत तुजा भी जमाल ही हसुनत जमीयो खिसाल ही। जब इतना पढ़ा तो मेरे करीम ने फरमाया, साथी क्यों नहीं कहता सल्लू अलैहि वालही। मेरे करीम आका अलैहि सलातो सलाम का ये कहा हुआ जुमला है, जरा आप भी मिलके पढ़ लीजिए, सल्लू अलैहि वालही, सल्लू अलैहि वालही, सल्लू अलैहि वालही, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हाजरीन मोहतरम, तिलावत कलाम लारैब के बाद और हुजूर पर दुरूद पढ़ने के इतनी मैं अहादीस भी आपके सामने पेश करता जाता हूँ। एक हदीस बाद मेरे करीम ने फरमाया, एक बार दुरूद पढ़ो, अल्लाह तुम पे 10 रहमतों का नजूल फरमाएगा। और भी बड़ी अहादीस है, लेकिन हाजरीन मोहतरम दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है, तो मैं जना मोहतरम मोहम्मद अली रजा साहब से गुजारिश करता हूँ कि आए और हुजूर की मदह सराई फरमाए और हुजूर की नाक पेश फरमाए। आपके आने से पहले ये जो खला है ना, थोड़ा थोड़ा आप आगे तशरीफ ले आए, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सलातो वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। सलातो वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सय्यदी मुर्शिदी जनाब मोहम्मद अली रजा साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम,
और दुआ है कि मेरा मौला आप सबका मिल बैठना मुझ नाचीज का पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और मेरी तरफ से आप सबको रबीउल अव्वल की खुशियों पे सरकार दो आलम के नज़ूल पे बहुत बहुत मुबारक हो। मालिक आप हम सबको सलामत रखे, हम सब के दिलों की तमाम नेक ख्वाहिशात अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तो कलील से वक्त के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, तो थोड़े से वक्त में बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश करूंगा। शर्त यह है कि आपने तवज्जो का तालीम तो एक दफा मिल के हुजूर की बारगाह में नजराना की रद्द पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आपकी इजाजत से रबाई से आगाज करूंगा। किबला बड़ी तो चुका तालिब हूं। जिब्रील के आपकी सिफ्त करा। बड़ी तो जो जश्न मनाया जाता है क्योंकि हम जश्न मना रहे हैं सरकार की आमद पे जश्न मना रहे हैं, तो आपने जश्न मनाना है मेरे साथ। बड़ी तो जो बता दी जिब्रील के की सिफ्त करा, जिब्रील के की सिफ्त करा, तुसी हुसैन दा हुसैन जमालो। जिब्रील के की सिफ्त करा, तुसी हुसैन दा हुसैन जमालो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मिलके नारे हैदरी, हैदरी। जिब्रील के की सिफ्त करा, तुसी हुसैन दा हुसैन जमालो। तुसी चन हो पाक अब्दुल्ला दे। बड़ी तवज्जो। तुसी चन हो पाक अब्दुल्ला दे, तुसी आमिना पाक दिलालो। तुसी चन हो पाक अब्दुल्ला दे, तुसी आमिना पाक दिलालो। मक्के तो लेके सिदरा तैं तुसे दे, तुसी दे जो हाकिम नालो। मेरी अखें सोहने कई वे तुसी अपनी आप मिसालो। मेरी अख ने सोहने कई वेखे तुसी अपनी आप मिसालो। बड़ी तो जो सरकार ने सदिया कोल अपने एक कर्म जे नहीं कहे की। जो भी हज और उमरा पे जाते हैं उन पे तो कर्म हुआ है, जिन पे अभी तक नहीं हुआ दुआ करें हम सब पे कर्म हो। बड़ी सोचो सरकार ने सदिया कोल अपने ए कर्म जे नहीं कह की। कच्चे ऐब हुजूर ने ऐबियां दे, कच्चे ऐब हुजूर ने ऐबियां दे, ए भरम जे नहीं कह की।
कचे ऐब हुजूर ने ऐबियां दे ए भरम जे नहीं ते की बड़ी तो जो पत्थर खा के हाकिम हस पोना दिल नरम जे नहीं दे ओ हर मुझे नहीं ते किए जिथे नक्श लगन ओदे कदमा दे ओ हर मुझे नहीं ते किए मिलके सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह नात के चंद अशआर बड़ी तवज्जो से पढ़ लें अवामी कलाम है मिलके मेरे साथ पढ़िएगा गदा बन के मदीने दा सदा करिए ते गल बन दी गदा बन के मदीने दा सदा करिए ते गल बन दी बड़ी तो जो असल में बात ये है जो भी मेहमान आएंगे यकीनन वो यहाँ पे आएंगे इसके अलावा कोई और जगह नहीं है तो आपसे मेरी इल्तिजा ये है कि आप तवज्जो करें ताकि मेरी जो चंद मिनट की हाजिरी है आपकी खिदमत में पेश कर सकूं जी गदा बन के मदीने दा सदा करिए ते गल बन दी गदा बन के मदीने दा सदा करिए ते गल बन दी गदा बन के मदीने दा सदा करिए ते गल बन दी नबी दा वास्ता देके दुआ करिए ते गल बन दी मेरी और आपकी अम्मी हजरत अम्मा आयशा सदीका सदीका कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक दिन सहाबी रसूल अर्ज करने लगे कि ऐ अम्मा जी ये तो बताइए कि मेरे नबी का खुल्क कैसा है तो करीम आका अलैहि सलातो सलाम की तारीफ में अम्मा आयशा सदीका फरमाने लगी क्या तूने कुरान नहीं पढ़ा وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ النَّبِيِّ اس سارے کا سارا قرآن میرے نبی کا خلق ہے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہے یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن اس میں بھی جمال ہے اس میں بھی جمال ہے اس میں بھی کمال ہے اس میں بھی کمال ہے اس قرآن کے پارے حسین میرے آقا کے نظارے حسین اس قرآن کی 114 صورتیں میرے کریم آقا کی ایک حسین صورت اس قرآن کی ستنے کالی میرے آقا کی زلفیں کالی ارے لوگوں اس قرآن کو پڑھ کے پڑھنے والا قاری قرآن بنتا ہے اور میرے کریم کو حالت ایمان میں دیکھنے والا صحابی رسول بنتا ہے ہے یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن یہ ہے قرآن اور صاحب قرآن ارے بہت ہی پیارا بزرگ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں عیدیں دی ہیں اور لیلۃ القدر دی ہے لیلۃ القدر کی شان اس لیے ہے کہ اس رات قرآن اترا ہے ارے میں اور آپ جس محفل کے لیے آئے ہیں حضور کے میلاد کے لیے آئے ہیں بزرگ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم وہی رات رکھی ہے تو جس دن صاحب قرآن آیا ہے وہی رات رکھی ہے تو حاضرین محترم اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں دعوت دینے لگا ہوں حافظ محمد سلیمان اویسی صاحب کے حوالے میں مائک کرنے لگا ہوں کچھ ان اشعار کی صورت میں کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے
कोई दूसरा ना करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जबान, खुदा ना करे। और मदीना जाके ना निकलना शहर से बाहर, खुदा ना खासता ये जिंदगी वफा ना करे। ये क्यों कहा शायर ने, अरे मैदाने जंग में एक नौजवान जो कि अपने इलाके का बादशाह है, शहनशाह है, मेरे करीम आका के सबसे बड़े सिपा सरार हजरत सैयदना उमर गिरफ्तार करके लाते हैं, आके मस्जिद नबी के सुकून से बांधते हैं, करीम आका का गुजर होता है तो आके पूछते हैं, बता समामा तेरा क्या हाल है, और जब पूछते हैं तो अकड़ता है, जवाब उल्ट देता है, सिहाबा की तलवार बाहर आती है, करीमा का मना फरमाते हैं। जब फिर दूसरे दिन मेरे करीम आते हैं तो कहा समामा अगर कोई सवाल है तो बता, तो कहता है अगर बख्श देंगे छोड़ देंगे तो जिस तरह आप सुलूक करेंगे मैं शुक्रिया अदा करूंगा, और अगर आप मुझे कत्ल करेंगे तो मेरा बदला लिया जाएगा। इस तरह के दो तीन जवाब दिए, दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन हुआ, मेरे करीम आका ने कहा समामा बता तेरे साथ क्या किया जाए, अब वो आंखें कोई नहीं उठाता, उल्टा जवाब देता है। चौथा दिन होता है, करीम आका जो कारी साहब ने तलावत की है, हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना राउफुर रहीम, हरीस हम भी हैं लेकिन दौलत के लिए है, हरीस हम भी हैं लेकिन औलाद के लिए है, हरीस हम भी हैं इज्जत के लिए है, अरे मेरा करीम देने में हरीस है। अरे देखिए करीम आका अलैहिस्सलाम जब चौथे दिन आते हैं कहते हैं समामा को छोड़ दिया जाए। अब जब समामा को छोड़ दिया गया लेकिन नजरों ने जो नजरों पे काम कर दिया था, समामा को छोड़ा गया, घोड़ लगा के मस्जिद नबवी के दरवाजे से बाहर गया, शहर से बाहर निकलने की कोशिश करता है क्योंकि करीम आका को एक ही बार देखा। जब वो वापस आया, जब वो मस्जिद नबी के दरवाजे पे आया, एक मर्तबा मुड़ के देखा, शहनशाह तो बड़े देखे हैं, बादशाह तो बड़े देखे हैं, ना कोई बातचीत की ना कोई गुस्सा किया, मुझे एक लम्हे में छोड़ दिया है, एक झलक देखी, दौड़ता हुआ शहर से बाहर, जितनी दौड़ लगा के शहर से बाहर उतनी दौड़ लगा के वापस आ गया, तो क्या कहता है कि मैं वो हूँ जो के आपके दर से जाना चाहता था लेकिन सरकार आपने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, सरकार आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। इसी का मंजर शायर कहता है कि मदीने जाके ना निकलना शहर से बाहर, खुदा ना खासता ये जिंदगी वफा ना करे। और सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह ताला ने आप क्या फरमाते हैं, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये, कुरान तो बताता है ईमान इनको, कुरान तो बताता है ईमान इनको, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आदमी ने मोहतरम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं दावत देता हूँ हाफिज मोहम्मद सुलेमान उवैसी साहब को कि वो आए और हुजूर की मदह सराई करें। आपके आने से पहले दौड़ता नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकी, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, हाफिज मोहम्मद सुलेमान। तो मामी हमारे मोहम्मद से गुरु ने पाक ना दना पेश कीजिए, कोई ला खामोश ना रहे, मोहब्बत से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह, उठी नजर तुमके करम पर ठहर गई, दिल क्या
सवर गया मेरी किस्मत सवर गई। और हिजरे नबी बे असर गई तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गए तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गए। कलाम आइए उसके चंद अशआर पढ़ता हूँ मोहब्बत से समाप्त कीजिए। जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना। जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना। जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना। न दिल को चैन आए तो मदीना याद कर लेना। न दिल को चैन आए तो मदीना याद कर लेना। अमूमन जिंदगी में दुख के दिन भी आ ही जाते हैं। के दिन भी आगे जाते हैं। कभी लम्हा ये आए तो मदीना याद कर लेना। कभी लम्हा ये आए तो मदीना याद कर लेना। सुना है मुश्किलों में साथ कोई भी नहीं चलता। सुना है यकीन मुश्किलों में साथ कोई भी नहीं चलता। जमाना छोड़ जाए तो मदीना याद कर लेना। उनकी महक ने दिल के कुलचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे करीम से गए कतरा किसी दरिया बहा दिए गए दुर पे बहा दिए गए। उनके निसार कोई कैसे गिरंज में को जब याद आ
आ गए हैं सब गम बुला दिए हैं, जमाना छोड़ जाए तो मदीना याद कर लेना, हवाएं भी मुखालिफ हो और दरिया में भी तुगयानी, हवाएं भी मुखालिफ हो और दरिया में भी तुगयानी, कभी दिल ना जो संभल पाए मदीना याद कर लेना, न दिल को चैन आए तो मदीना याद कर लेना, नारे रिसालत गजबर क्या को नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत। बहुत खूबसूरत कलाम भाई ने कहा है, आइए आपकी समाधों की नजर 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 पे करे दिल रुबाब के आया रोगे अर्जो समाब के आया, हजूर का मिलाद हुजूर का मिलाद अलहाज मोहम्मद ज़हूरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह आपकी कब्रों पर कब्र पर बेशुमार नूर की बरसात करे। क्या कहते हैं कि पै करें दिल रुबाब के आया रोगे अर्ज़ो समा के आया सब रसूले खुदा बन के आए वो हबीबे खुदा बन के आया बेमिसाल कैस में गिरामी बेमिसाल कैस में गिरामी मुस्तफा मुजतबाब के आया पढ़िए सब रसूले खुदाब के आए वो हबीबे खुदाब के आया और सजाया
کا پایا کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا جس کا پایا کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا کے آیا. آئیے سرکار کی آمد گج بج گیا کو مرحبا ملاد دا مہینہ ہے جڑا جڑا حضور دی آمد دی خوشی کرنا چاہندا ہے عطا نو بلند کرے گا تے او دے نوں اظہار محبت ہو جائے گی تے مل کے کہنا ہے مرحبا 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 سرکار کی آمد آقا کی آمد ہوا سونے کی آمد ہوا من ٹھار کی آمد مرحبا 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 ہوا اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی فرما دینے سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی سب سے والا او اعلی ہمارا نبی کون دیتا ہے دین کو مچائیے کون دیتا کون دیتا ہے دین کو مچائیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا بولو دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا ہمارا نبی مرحبا 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 سرکار کی آمد مرحبا لجپال کی آمد مرحبا 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 الحاج عبدالستار نیازی صاحب یہ فرمایا بن کے خیر الورا گئی مصطفیٰ بن کے خیر الورا بن کے خیر الورا بن کے خیر الورا آ گئی مصطفیٰ بن کے خیر الورا آ گئی مصطفیٰ ہم گنہگاروں کی بہتری کے دیے ایک طرف بخشش ایک طرف جنتیں ایک طرف بخشش ایک طرف جنتیں کیسے ان امتی کے لیے مرحبا بابا مرحبا 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 چاند دو ہو گیا جوگی انگلی اٹھی سوئے سورج نے بھی آنکھ تھی کھول دی حضور کا موسا حضور کا موسا کہیے سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں یہ وہ ہے معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے کیا کہتے ہیں غور کیجیے گا شعر پر لفظوں پر چاند دو ہو گیا جو کی انگلی اٹھی سوئے سورج نے بھی آنکھ تھی کھول دی ارے کھوٹی قسمت تیری وہ جو کرتے کھری کھوٹی قسمت تیری وہ جو کرتے کھری کیا یہ مشکل ہے میرے نبی کے لیے مرحبا آبا مرحبا 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 مرحبا
مرغابا سب سے اولا والا سب سے بالا والا ہمارا نبی ان کے آنے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کہہ دے سبحان اللہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا غمات نبی مرغابا داتا غجویری لاسانی مہر علی ولیاں نوں منن والے الحمدللہ کیڑا کیڑا منن والا تے سبحان اللہ بھی نکلنی چاہیے الحمدللہ کہ سنیے جی ہوندے نے ہاں جی داتا گج ویری ساری ساڈے نے نا منن والے آ تے کہنا گج بج کے کی آنا ہے سبحان اللہ کی کہنا ہے داتا گج ویری لاسانی مہرے علی خواجہ ہند ولی میرے غوث جلے داتا غجویری لاسانی مہرے علی خواجہ ہند ولی میرے غوث جلے کیسے کیسے دیے میرے محبوب نے کیسے کیسے دیے میرے محبوب نے یہ نگینے غمیں یہ نگینے غمیں روشنی کے لیے مرحبا بڑا خوبصورت شعر کہ جن کے لب پر رہا امتی بہت بڑا شعر ہے کہ حضور معراج تے جاندے تے اپنی امت نوں نہیں بولدے قبر مبارک چ اتارے ہیں صحابی رسول فرماندے نے آپ دے لب مبارک جھنبش کر رہے نے حرکت کر رہے نے تے کی فرما رہے نے آپ ربی حبلی امتی حضور آپ دی ولادت مبارک تے فرمایا آپ دا سر اقدس سجدے چ تے کی آواز آ رہی ہے ربی حبلی امتی تے کی فرماتے نے نیازی صاحب کہ جن کے لب پر رہا امتی 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 جن کے لب پر رہا امتی امتی اور کہندے نے پھر اسی میلاد کیوں نہ منائیے جن کے لب پر رہا امتی امتی یاد ان کی نیازی نہ چھوڑو کبھی وہ کہیں امتی تو بھی کہ یا نبی وہ کہیں امتی تو بھی کہ یا نبی وہ کہے امتی تو بھی کہ یا نبی آقا حاضر ہوں میں آقا حاضر ہوں میں نوکری کے لیے مرحبا آخری بار جھنڈے منا کے کہنا ہے سرکار قیامت آقا قیامت ہابا من ٹھار قیامت مرحبا سونے قیامت ہابا لجبال قیامت مرحبا
सुभान अल्लाह माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत अंदाज में हुजूर की मदह सराई कर रहे थे हाफिज मोहम्मद सुलेमान उमैसी साहब। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल सोज़ो गुदाज़ में बरकत अता फरमाए। बिला तख़ीर मैं बड़े मुख्तरम बड़े खूबसूरत सनाखा बड़ी प्यारी आवाज प्रोफेसर इरफान खान साहब हैं जनाब। मैं उनके हवाले माइक कर रहा हूँ सिर्फ एक शेर पढ़ के जो कि हमारे ईमान का हिस्सा है। जरा आप की समातों की तवज्जो चाहता ये खुलफा राशिदीन की खिदमत में तोहफा है। जेड़ा हक नहीं मनदा हैदर ईमान यकीन ते नहीं आया। जेड़ा हक नहीं मनदा हैदर नो ईमान यकीन ते नहीं आया। उस्मान की शान का नजरिया शैतान लाइन ते नहीं आया। जेड़ा राज उमर का मुनकर जेड़ा राज उमर का मुनकर ओ बशर अजदीन ते नहीं आया। सिद्दीक दा सच अगर मशकूक है ते पत सच जमीन ते नहीं आया। जे सिद्दीक दा सच मशकूक है पत सच जमीन ते नहीं आया। बिला तखीर मैं दावत ना देता हूं प्रोफेसर इरफान खान साहब को। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकीक नाराय हैदरी। हाजरीन मोहतरम हमारे दिलों की धड़कन हजरत अलामा मौलाना हाफिज मोहम्मद अब्दुल रशीद उमैसी साहब तशरीफ लाए खुश आमदीद कहते हैं। मैं दावत देता हूँ प्रोफेसर मोहम्मद इरफान खान साहब को कि वो आए और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाए। नारे तकबीर तमाम अखबार मिल के दुर्द पर पढ़िए कोई जुबान खामोश न रहे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नया कलाम आपकी समातों की नजर करूंगा और देखिएगा कि इस कलाम का रब्त जो है वो कुरान पाक और हदीस से कितना है और दुरूद शरीफ के जो है सदाओं के साथ हम इसको पढ़ेंगे। और हुजूर के मिलाद की महफिल में आए हैं और सबसे बड़ा जिक्र दुरूद शरीफ है। ये वो जिक्र है जो हर हाल में कबूल है। ये वो जिक्र है जो अल्लाह की सुन्नत है। तो मिल के पढ़िएगा कोई जुबान खामोश नहीं रहे। सल्लु अलैहि व अलैहि सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि व सल्लु कहरोज़ शब कहो हर घड़ी सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो अलैहि व के खुदा भी चाहता है यही सल्लो अलैहि सल्लो
और तेरा फर्श है मेरा आसमां और तेरी रहमत तेरा नाम है मेरी जान जा ओ मेरी सल्तनत तेरी नौकरी मेरी सल्तनत तेरी नौकरी सल्लु अलैहि व आलिही और तू कमाल हुस्न हो तेरा नाम ही तेरी नात है और तेरा हर्फ हर्फ है मुस्तनद हो तेरी बात रब की ही तेरी बात रब की ही बात है और जिसे तू मिलाए उसे क्या कमी जिसे तू मिला उसे क्या कमी सल्लो अले देवा आले ही सल्लो सुननी बैठे हो और गूंजना है सल्लो अले देवा आले ही सल्लो अले देवा आले ही जिसे तू मिला और तेरे नक्शे पा मंजिले ओ तेरी राह और तेरा खुल्क है सभी आयतें तेरा खुल्क है सभी आयतें और तेरा मुस्कुराना है रोशनी तेरा सल्लो अलैहि व आलिही
صلو علی اور تیرا مسکرانا ہے روشنی صلو علیہ و صلو علیہ و آلہ اور تو کما حسن صفات ہے او تیرا نام ہی تیری نعت ہے اور تیرا حرف حرف ہے مستند او تیری بات اور جسے تو ملا اسے کیا کمی جسے تو ملا اسے کیا کمی صلو علیہ وآلہ ایک دفعہ سارے بول دو علیہ صلو وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ